जरीपटका थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक जरीपटका निवासी गली नंबर 10 का रहने वाला 22 वर्षीय ऋतिक रोशन ठौरे बताया जा रहा। अज्ञात कारण के चलते युवक ने अपने घर के छत के हुक को पायजामे के नाड़े के सहारे बांधकर उसने फांसी लगा ली। जरीपटका पुलिस को इस घटना के बारे में पता लगते ही जरीपटका पुलिस ने घटनास्थल पहुंचे और ऋतिक के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। जरीपटका पुलिस थाने में कल एक अपमृत्यु क्रमांक दाखिल किया गया है। उसकी जानकारी ऐसी है कि उस जो जिसने आत्महत्या की है, जिसने गलफास लगाया है, वो ऋतिक रोशन ठोरे करके, उसका उम्र 22 साल है, मिसाल लेआउट में रहता है, जरीपटका में आदमी मिसाल लेआउट में रहता है, गली नंबर 10 में। उसमें वो अपना पुराना बॉडी ऑफेंडर है, सराइत गुनहगार है। और हमें पुलिस को ऐसी खबर, उसकी पत्नी ने खबर दी कि 5:15 बजे वो पत्नी और उसका झगड़ा हुआ था दो दिन पहले उनका दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए उसकी पत्नी कड़वी चौक पे उसकी माँ रहती है, उनके घर गई थी। और कल उसकी पत्नी के फ्रेंड है जीविका करके, उसके मोबाइल पे मैसेज आया, ऑडियो मैसेज उनको आया ऋतिक का, जो गलफास लिया ना, उसका मैसेज, ऑडियो मैसेज आया था कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को माफ़ करो और मेरी माँ को माफ़ करो, ऐसे एक मैसेज, ऑडियो मैसेज आया था। इसलिए वो पत्नी उसके माँ के घर से अपने घर आ गई तो देखा तो ऊपर के रूम पे एक हॉल है, हॉल में सीलिंग नीचे के रूम बंद थे और हॉल में किचन के रूम बंद थे। ऊपर जाके हॉल का कड़ी बाहर से लगा था तो उन्होंने खिड़की से देखा तो खिड़की में सीलिंग फैन पे जो हुक रहता है, हुक पे उन्होंने अपने दोरी के, पायजामा की दोरी हो गई, कौन सी दोरी से उन्होंने खुद को लटका लिया था। फिर बाद में उन्होंने पुलिस को खबर मिली, पुलिस घटनास्थल पे गई है, पुलिस ने घटनास्थल पे जाके पंचनामा बनाया और पूरी पूरी जानकारी चालू है। अभी पुलिस के आगे की जानकारी चालू है और पत्नी का भी किसी और से किसी हमने पूछा किसी का आपको ऊपर आरोप भी है क्या, उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम दोनों का झगड़ा हुआ था लेकिन उन्होंने आत्महत्या क्यों की इसके बारे में कुछ नहीं, और मेरे किसी के ऊपर भी मेरे को कोई शंका नहीं है, ऐसे उसने बोला है। आगे की तपास जरीपटका पुलिस थाने करेगी। अभी बहरहाल जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज कर ऋतिक ने आत्महत्या क्यों की इस मामले में जुड़ गई है। महाराष्ट्र TV 24 के लिए खास रिपोर्ट। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है, व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स, 25 साल का शुद्धता का भरोसा, लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर।